नमस्कार, मैं हूँ सरोज चौधरी। आज हम रोस्टेड नमकीन मूंगफली बनाएंगे, सभी को बहुत पसंद आएंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है, मूंगफली को मैंने छील लिया है। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, मूंगफली डालेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, मूंगफली को लगातार चलाते रहेंगे। मूंगफली को मैंने 4-5 मिनट सेक लिया है, नमक डालेंगे। फिर से थोड़ा सेक लेंगे। मूंगफली का कलर चेंज हो चुका है, मूंगफली गोल्डन ब्राउन हो गई, देखने से भी हमें पता चल रहा है कि मूंगफली सिक चुके हैं। गैस बंद कर देंगे। मूंगफली को एक बाउल में निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने मूंगफली को बाउल में निकाल लिया है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरे तरीके से मूंगफली रोस्टेड करते हैं। सबसे पहले गैस पे एक तवा रखेंगे, तवा गर्म होने देंगे, मूंगफली डालेंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे, मूंगफली को सेक लेंगे। मूंगफली सेकते समय हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, अगर हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो मूंगफलियाँ जल जाएंगी। ये मैंने मूंगफली को 5 मिनट लो फ्लेम पे सेक लिया है। एक मूंगफली चेक करते हैं, देखिए आराम से छिलका हट रहा है, मूंगफली अच्छे सिक कर तैयार हैं। गैस बंद कर देंगे। मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मूंगफली थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, हाथ से मसल कर मूंगफली के छिलके हटा देंगे। इस तरीके से हम सारी मूंगफलियों के छिलके हटा लेंगे। देखिए कितने आराम से छिलके हट रहे हैं। ये मैंने सारी मूंगफली के छिलके हटा लिए हैं। ये मैंने सारी मूंगफलियाँ सेक के तैयार कर ली, बहुत ही अच्छी मूंगफली सेक के तैयार हुई है। आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी मूंगफली बना सकते हैं। और हाँ, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और मेरी बहुत सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।